गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह 26 जनवरी को सुबह 9 बजे से स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्य समारोह में गृह मंत्री उत्तम मिश्रा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और आम जनता मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा आकर्षक झांकियां बनाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर झंडा वंदन के बाद परेड और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। जनगण के जय घोष के साथ आजादी के अमृतकाल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में शीश नमाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक अनेक क्षेत्र को अपनी प्रकट प्रतिभा से अभिषेषित किया है। आज का दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक होने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा 26 जनवरी के अवसर पर झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी झंडा वंदन कार्यक्रम में मौजूद रहे। डीआईजी कार्यालय में एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पुलिस महकमे के सभी अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला पंचायत में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उनके साथ जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एडिशनल सीईओ एस के गुप्ता सहित जिला पंचायत के सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। झंडा वंदन के पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा छिंदवाड़ा जिले वासियों के साथ ही सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। गणतंत्र दिवस की छिंदवाड़ा सहित प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे शहीदों को, महानायकों को याद करने का दिन है, जिनके बलिदान से हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना। इस गणतंत्र दिवस पर हमारा तंत्र गण के लिए काम करे, हमारी आज़ादी का सही मूल्य लोगों तक पहुँचे, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, छिंदवाड़ा के अंदर खुशहाली आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंबेडकर चौक में निवर्तमान पार्षद अनीता दिनेश मालवीय के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया था, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर देशभक्ति से प्रेरित कविताएं और गीतों का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस पर हम सभी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, अधिकारी सभी ने यहाँ पर ध्वजारोहण के बाद में और स्वल्पाहार और गीत, राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ में आज के कार्यक्रम को मनाया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम में अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत की विशाल रंगोली बनाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही।
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज नागपुर रोड स्थित भगवान श्री परशुराम वाटिका पहुंचे, जहां पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा के द्वारा भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करके सामाजिक बंधुओं से मुलाकात की गई। श्री अनिल शुक्ला, श्री दीपक वाजपेयी, श्री गौराम श्री गोविंद सहस्त्र दीर्घ। इमलीखेड़ा चौक पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गणतंत्र दिवस की संध्या पर चौक में विशेष साज सज्जा की गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।